اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات. सामीन मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। कोई भी राह खुदा में निकले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हामी भी पैदा कर देता है, और फिर कभी अगर वो बतलाना चाहे कि किसने मेरे साथ ज़्यादा तआवुन किया और किसने मेरे साथ कितना तआवुन किया तो वो बतला सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा कामा वलस्तकामत दीनो इल्ला बिसैफ अली व माल खतीजतिल कुबरा। बाद हजरात इसकी वजाहत कुछ यूं करते हैं कि दीन ना फैलता अगर मौला अली की तलवार और खतीजतुल कुबरा का माल न होता। नहीं, इस हदीस की ये वजाहत नहीं। आप खुद लफ्ज़ों पर अगर गौर करें, मा कामा वलस्तकामत दीनो, ये लफ्ज़ बता रहे हैं कि इसकी वजाहत यह है कि दीन अपने पाँव पे न खड़ा होता, दीन मुस्तहकम न होता अगर एक तरफ अली की तलवार और दूसरी तरफ खतीजतुल कुबरा का माल ना होता। पहली बात तो यह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हर इंसान के सीने में दिल रखा है, यह दिल जबर के आगे हथियार नहीं डालता। अगर कोई किसी के सर पे बंदूक ले के खड़ा हो जाए और उसे कहे कि तू अपना अकीदा बदल, वो बदन तो उसके आगे हथियार डाल देगा लेकिन दिल उसके आगे हथियार नहीं डालेगा। यानी बज़ाहिर तो वो बंदा चुप कर जाएगा, मान जाएगा कहना, लेकिन जब वो जबर की फिजा से आज़ाद होगा तो उसके बाद वो बंदा उसी अकीदे का इनकार कर देगा जो जबरन उसको दिया जा रहा था। अब ऐसा किया जाए कि ये दिल हथियार डाले
उसके लिए जबर का रास्ता अख्तियार नहीं करना, दलील और मंतिक का रास्ता अख्तियार करना है। गोया इस्लाम के दो उन्वान बन गए, एक है इस्लाम की तरवीज, इस्लाम का पूरी दुनिया पे फैलाना, दूसरा है इस्लाम का इस्तेहकाम। ये दो मुख्तलिफ मौजू हैं। तरवीज इस्लाम, इस्लाम फैलने का क्या मतलब है? वो इस्लाम के जिसकी पहला पैगाम सरजमीन मक्का से नशर हुआ और वो मेरे पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म पे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अब अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये चाहते हैं कि ये पैगाम पूरी दुनिया पे फैल जाए। फैलने का क्या मतलब है? कि लोग इस पर ईमान ले आए। कोई आतिश परस्त है तो वो छोड़ के खुदा वाहदा शरीक की इबादत करे, बुत परस्त है तो वो बुतों को छोड़ के अल्लाह की इबादत करे। जहां जहां कोई जिस जिस गुमराही में है वो वहां से निकले और खुदा के माबूद बरहक माने। ये जो तरवीज इस्लाम है ना, ये जबर के जरिए नहीं, ये तलवार के जरिए नहीं। तरवीज इस्लाम हुई दलाइल की रोशनी में, सीरत और किरदार की रोशनी में। हां, जब इस्लाम की तरवीज हो रही थी, कुछ लोग वो थे, मेरे ख्याल में उनको समझाने के लिए उर्दू के मुहावरे का सहारा लेता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते। वो जो इस किस्म के लोग थे, एक तो वो खुद हिदायत की तरफ नहीं आना चाहते थे, दूसरा वो बाकी लोगों को भी हिदायत की तरफ नहीं जाने देना चाहते थे। और वो मुसलसल कर रहे थे ऐसी हरकतें, ऐसे काम कि जिससे इस्लाम मुस्तहकम न हो सके, इस्लाम अपने पांव पर खड़ा न हो सके। गोया बयक वक्त दो काम करने थे, एक दलील और मंतक सीरोक तो किरदार के जरिए इस्लाम को फैलाना था, दूसरा यह था कि जो लातों के भूत थे उनके लिए भी को बंदोबस्त करना था ताकि इस्लाम फैलता भी रहे और मुस्तहकम भी होता रहे। मेरा मौला अली वो है, इस्लाम की तरवीज का मसला है तो भी मौला अली आगे, इस्लाम के इस्तेहकाम का मसला है तो भी मौला अली आगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। अगरचे दो हवालों से गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल हो जाती है, मौसम ना साजगार हो, जहर घास की तपिश भी है और शामियानों पे भी है असरात, हबस भी है, दूसरा मोमिनीन भी अपने हिसाब से बैठते हैं, तो पढ़ने वाले को अगर मजमा इकट्ठा मिल जाए तो पैसेज पहुंचाने में ज़्यादा आसानी होती है। तो बहरहाल ये दुश्वारियाँ भी मुसलसल ये कम मुहर्रम से सामने हैं। बहरहाल जिस हद तक हो सकता है मेरी कोशिश है कि इस मिंबर की नियाज हर आने वाले तक पहुंचनी चाहिए। और आप माशाल्लाह पुराने आज़ादार बैठे हैं, पढ़ने वाला बिलाखिर कुछ न कुछ सोच के आता है और आप कोई हाँ हूँ करते रहें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहें, तो जो कुछ सोच के आता है वो भी जहन में रहता है और कुछ और भी जहन में आ जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद। और अगर सामईन फकत कानों की इबादत की हद तक रहें तो मुकर्रर के जहन में और तो कुछ नहीं आएगा, डर होता है जो सोच के आया वो ना भूल जाए। तो एक मिल के बुलंद सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तवज्जो फरमा रहे हैं। कल भी जो गुफ्तगू थी वो मौला अली अलैहिस्सलाम की मजलूमियत के उन्वान से थी, जो हजरात कल तशरीफ फरमा थे। आज भी गुफ्तगू मैं अपने मौला कायनात के ही मजलूमियत के हवाले से आगे बढ़ाना चाहता हूं। तरवीज इस्लाम में भी पेश पेश कौन थे भला? मौला अली। और इस्तेहकाम इस्लाम के लिए भी कौन पेश पेश थे? तरवीज इस्लाम के लिए किस तरह, जरा समझिए। मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ एक यहूदी शरीक सफर था। जब मौला पहुंचे ना घर के करीब, उसका घर आगे था, तो मेरे मौला अपने घर की तरफ नहीं गए, उस यहूदी के साथ चलते रहे। यहूदी ताज्जुब से पूछता है, आपका घर आ गया फिर मेरे साथ चल रहे हैं? कहा, हमारे पैगंबर ने हमें हुक्म दिया है, जो भी शरीक सफर हो चंद कदम उसकी दिलजुई के लिए उसके साथ चलो। वो यहूदी कहते हैं, तुम्हारे नबी इतने शरीक सफर के लिए भी अहमियत रखते हैं, इतना उनके लिए सोचते हैं? कहा, फिर इससे सच्चा और कौन सा दीन हो सकता है? या अली, मुझे कलमा पढ़ाए। तवज्जो फरमा रही है ना। मौला अली की जो सिफात है ना, सारी सिफात के जरिए इस्लाम की तरवीज और इस्लाम का इस्तेहकाम हुआ। आपकी एक सिफत यह है कि आप शुजा हैं, आपकी एक सिफत यह है कि आप बहुत बड़े साबिर भी हैं, आपकी एक सिफत यह है कि आप बहुत बड़े बुर्दबार भी हैं। पैगंबर का हुक्म यह था, या अली, जहां तेरी जिस सिफत की जरूरत पड़ेगी तुझे उस सिफत का मुजाहरा करना पड़ेगा। यही वजह है, जब लोग दरवाजे पर लकड़ियां इकट्ठी करके आए थे, उस वक्त मौला अली ने अपनी किस सिफत का इजहार किया था? पैगंबर ने कहा था, या अली, ये इस्लाम का पौधा अभी नया नया लगा हुआ है, अभी ये तनावर नहीं हुआ, कदावर नहीं बना, और हालात ऐसे आएंगे जिसमें तलवार से नहीं तेरे सब्र से इस्लाम बाकी रहेगा। एक यहूदी वो मंजर देख रहा था, और वो मैदान खैबर में भी था। उसने देखा था कि मरहब अंतर के मुकाबला करना किसी के लिए आसान न था, और मौला अली को जंगे खैबर में देख चुका था। वो इस जगह पर मौला अली के सब्र को देख के वो समझ गया कि ये इस्लाम कितना सच्चा है कि जिसका ये रहनुमा जरूरत पड़े तो शुजात से काम लेता है, जरूरत पड़े तो सब्र से काम लेता है। इससे इस्लाम की क्या हो रही थी? तरवीज हो रही थी, इस्लाम फैल रहा था। लेकिन जहां तक बात है इस्तेहकाम की, कि इस्लाम अपने पांव पे खड़ा हो, इस्लाम मुस्तहकम हो, तो फिर कौन थे कि जिनके बारे में उर्दू के मुहावरे का मैंने सहारा लिया कि लातों के भूत बातों से सीधे। अब जरा देखिए, जंगे खंदक में, बद्र में सारी शैतानी कुव्वतें इकट्ठी नहीं हुई थी, न मैदान उहद में। जंग खंदक ऐसी जंग है जहां सारी शैतानी कुव्वतें इकट्ठी हो गई, और अमर अब्दुल्लाह तो अपने चंद साथियों के साथ खंदक अबूर करके आया। आज इस जमाने में आप चाहे किताबें पढ़ लें, फेसबुक को, यूट्यूब को, मुख्तलिफ जगह से, आपको आज भी नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मौला अली के फजाइल और आपकी दीन की खिदमात को कभी भी ना अपने इदारों में बयान करने देते हैं, ना अपने इज्तिमा में बयान करने देते हैं, बल्कि अगर स्कूलों का निसाब बने तो वहाँ भी कोशिश करते हैं कि मौला अली का अव्वल तो जिक्र ना हो, अगर हो तो बराए नाम हो। या अभी भी जो कुछ देख रहे हो, इसकी बड़ी वजह क्या है?
उन लोगों के दिलों में बुग्ज़े अली मौजूद है। मैं तो इतना कहता हूं, तो इस्लाम से मौला अली को निकाल के दिखा, बचता पीछे क्या है। इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीजें हैं, एक ज़रबत यदुल्ला, दूसरा सजदा शब्बीरी है। जरा गौर तो करें ना, किस तरफ जा रही है। मैं इतना कहता हूं, मुसलमानों रख दो तशय्यो की किताबों को, कोई किताब भी ना उठाओ, किसी शिया का हवाला ना दो, शिया किताब का हवाला ना दो। सहाय सित्ता में जितना कुछ मनाकिब अहले बैत के हवाले से तेरी किताबों में मौजूद है, फजाइल अहले बैत, इतना तो कम अज कम निसाब में भी शामिल कर और अपने मिंबरों पर भी बयान कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा रही है नहीं, लेकिन बयान नहीं हो रहा। अब इस्लाम के दो उन्वान, एक तरवीज इस्लाम और दूसरा क्या है, इस्तेहकाम इस्लाम। ये दो चीजें हैं। अम्र अब्दुवद जब आया है ना, मशहूर था कि 1000 जंगजू से लड़ने की सलाहियत रखता था। इसने आके जब नेजा गाड़ा और इसने कहा हल मिन मुबारिज, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। जब इसने ये ऐलान किया है ना, अब उठाइए किताबें, जितने लोग भी वहां मौजूद थे पैगंबर की खिदमत में, किसी तारीख में ढूंढ के दिखा कि उनमें से अबू तालिब के बेटे के अलावा कोई और भी उठा था। मिलता है कहीं कोई? और पैगंबर फरमा रहे थे बरजा बरजल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले। जरा इस फरमान पे गौर तो कीजिए, उधर तमाम शैतानी कुव्वतें, तमाम का तमाम कुफ्र इकट्ठा हो चुका था, और पूरे के पूरे कुफ्र को शिकस्त देने के लिए जो उठा, उसी को पैगंबर ने कहा ये कुल्ल ईमान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिह। इतना बतलाइए, अगर मौला अली न उठते तो था कोई और उससे लड़ने वाला? जी, ये जो इतनी बड़ी कुफर को शिकस्त हुई वो किसकी वजह से हुई है? वो मौला अली अलैहिस्सलाम की वजह से। हैरान होता हूं, बहुत अच्छी बात है, मिसवाक करना चाहिए, दर्जी से भी कहा जाता है, इधर बनवाई जाती है जगह, मिसवाक डाला जाता है, दुख होता है। तुझे पैगंबर की से ये सुन्नत तो याद रह गई, मोहर नबूवत के सवारों का एहतराम याद नहीं रहा। हजर अस्वद को एक मरतबा बोसा दिया था, और उस रश की हालत में बढ़ बढ़ के बोसा देने की कोशिश करते हो। तुम्हें हजर अस्वद तो याद है, तुझे इमाम हुसैन नहीं याद, जिसे बार बार पैगंबर बोसा दिया करते थे। मगर क्यों? इसलिए कि बुग्ज़ अली की भीड़ चढ़ चुके हैं। आज मैं रास्ते में सुन रहा था प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब को, आप अहले सुन्नत के उलमा को सुना करो, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अकेले नहीं रहे, एक बड़ी तादाद अब हमारे साथ शरीक हो चुकी है। वो मौलाना तारिक जमील साहब को सुनिए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को, बहुत सारे हैं। तो इनसे कहा गया कि आप भी शियों वाली बात करते हो। इन्होंने कहा क्या? कहा तुम भी कहते हो पैंतने पाक, ये तो शियों की बात है। तवज्जो है या नहीं? इन्होंने कहा मैं शियों की नहीं कर रहा, मैं तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की बात कर रहा हूं।
मैंने तो पढ़ा कि हजरत आयशा ने कहा कि पैगंबर ने कमली ली हुई थी और फिर अपने साथ अपने भाई अली को भी शामिल कर लिया, अपनी बेटी को भी, अपने नवासों को भी शामिल कर लिया। हजरत आयशा बतला रही हैं कि ये पैंतन चादर के नीचे इकट्ठे हो गए, ये शियों की नहीं बात, ये तो अम्मा आयशा ने बताई है। यानी कितनी गदीर की बात आए तो शियों की। तभी तो कहा ना प्रोफेसर साहब ने कि ये गदीर न शियत है न सुन्नियत है, ये कुरानियत है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अभी आपके सामने बच्चे ने कलमा पढ़ा, मजहब हक को कबूल किया। यकीन जानिए अगर अपनी किताबों में लिखे हुए उन मनाकिब और फजाइल को ये अपने मिंबरों से अपने इदारों में ये पढ़ाना शुरू कर दें तो तुझे एक एक मजलिस में दर्जनों की तादाद में नजर आएंगे जो मजहब हक का ऐलान कर रहे होंगे। नहजुल बलागा है ना, मकतूबात और मौला के खुतबात और कलमात किसार मुख्तलिफ मौजूआत पे मौला के खतूत खुतबात हैं। कहीं तौहीद समझा रहे हैं, कहीं मुत्तकियों की सिफात, कहीं मकाम रिसालत, मुख्तलिफ मौजूआत पर। और कई खुतबों में मौला ने अपनी मज़लूमियत का नोहा भी पढ़ा है, खुद बताया है कि मेरे साथ क्या क्या जुल्म। कल की मजलिस में जो हजरात बैठे थे तो मैंने लगभग 8-10 खुतबात से आपको मौला कायनात के वो नोहे के जुमले सुनाए थे। अगर आप कहें तो मौला के खत में जो आपका नोहा है वो आप तक पहुंचा दूं कि मौला कायनात ने किस तरह वजाहत की। लेकिन उससे पहले एक दो बातें और जरा सुन लीजिए। जब मौला अली जाने लगे ना, पैगंबर ने अपना सहाब नामी अमामा मौला अली के सर पे रखा। ये क्या अलामत होती है, इसे अमामा कहें आपकी मर्जी, पगड़ी कहें आपकी मर्जी, दस्तार कहें, इतना तो देखो वो दस्तार वो अमामा था किसका, रखा किसने। और फरमा रही है नहीं, पैगंबर ने रखा है ना, अगर किसी और तरह समझ में ना आए तो कम से कम इतना तो ख्याल कर रखने वाला कौन है, अमामा किसका है। और फरमा रहे यानी एक जुमला कह दो, मौला कायनात की जब विलादत हुई ना और पैगंबर के हाथों पे आए, उलमा ने लिखा है उस वक्त आपने गुफ्तगू की तो फिर यहां पर कहा गया कि कैसे हो सकता है कि एक बच्चा गुफ्तगू करे। हमारा तो यकीन है कि खुदा की दी हुई कुदरत से जब ईसा गुफ्तगू कर सकता है तो फख्र ईसा क्यों नहीं कर सकता। कुरान गवाह है, जब यहूदी कह रहे थे कि ये बगैर शोहर के बच्चा कहां से, फाशारत ले, और उस वक्त जनाब मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया और यहूदी बिगड़ गए, कहा हमारी तौहीन की जा रही है, हुक्म था कि आपने खामोश रहना है, और उस वक्त बच्चा बोल के गवाही दे रहा था। मुसलमानों अगर तुम इतना ही नहीं मानते, मौला अली की इतनी फजीलत नहीं मानते, कम से कम उन हाथों का तो लिहाज रखो जिन हाथों पर कंकरियां कलमा पड़ रही थी। क्या वलीउल्लाह गुफ्तगू नहीं कर सकता। लेकिन सब कुछ किस वजह से इनकार है, बोगजे अली की वजह से। मुसलमा फजाइल मानने के लिए तैयार नहीं। पैगंबर जब भेज रहे हैं ना, सुनिए मौला कायनात की अहमियत कितनी थी पैगंबर के नजदीक। भेजने के बाद अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया, परवरदिगारा बद्र में उबैदा मुझसे ले लिया, उहद में हमजा ले लिया, मेरा हामी है मददगार है अली, भेज मैं रहा हूं इसकी हिफाजत तू करना।
पैगंबर ने इसी ज़रबत के बारे में फरमाया था ना, ज़रबत अली फ़ी यौम अल-खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की ये एक लहजे की ज़रबत जिन व इंस की इबादत से, ये पैगंबर की जो अहदीस है ना, इन पे ज़रूर गौर व फिक्र किया करो, इनके अंदर बड़े बड़े पैगाम हैं। गोया क़यामत तक के लिए पैगंबर उम्मत को समझाना चाहते हैं, अली की सारी ज़िंदगी की इबादतों को नहीं तोला जा रहा, एक लहजे की ज़रबत को तोला जा रहा है, और तोलने वाला भी है अल्लाह का रसूल, और तोल के बतला रहे हैं कि जिन्न अफ़ज़ल की, जिन्न इंस की अफ़ज़ल से है, इबादत से है ये अफ़ज़ल। तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं अली का मुकाबला करने के कभी न सोचना, ना अली की बराबरी का ख्याल करना, इसलिए कि अली की एक ज़रबत जिन्न व इंस की इबादत से अफजल है। यही बात तो नहजुल बलागा के दूसरे खुतबे में मौला कायनात ने इरशाद फरमाई, ला युकासु बि आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिन हाज़िहिल उम्मत अहदुन। फरमाया इस उम्मत में से कोई एक भी इस लायक नहीं जिसे आले मोहम्मद के साथ क्यास किया जा सके, कोई एक भी, खुद मौला बता रहे हैं। वला युसव बिहिम मन जरत निअमतुहुम अलैहि अबदा, भला कैसे हो सकता है यह मवाजना कि जिन पर हमेशा आले मोहम्मद के एहसानात जारी रहे हों। मेरे पांचवें इमाम फरमाते हैं, दुनिया के जिस कोने में भी तुझे सही इल्म नज़र आता है वो हमारे घर से ही वहाँ तक पहुँचा है, और वो इल्म जिस जिस की हिदायत का ज़रिया बना, गोया उसकी हिदायत भी आले मोहम्मद की तरफ से हुई। जब हिदायत भी उसी तरफ से हुई तो इतना बड़ा एहसान और कहाँ से है। और फिर मक्तूब नंबर 28 में फरमाया, फ़ाइन्ना सना रब्बेना वन्नासु बादो सना लना, फरमाया हम वो हैं जो बराए रास्त अल्लाह की नेमतें लेके परवान चढ़े हैं, दूसरे हमारे एहसान पर वर्दा है। यानी ये बतलाना चाहते हैं अल्लाह हमें डायरेक्ट अता करता है, तुम्हें हमारी वजह से अता करता है, फिर कैसे बराबरी हो सकती है, फिर कैसे कयास किया जा सकता है। एक जग हो ना पानी का और इधर गिलास हो, तो आप कह सकते हैं इस जग में 6 गिलास का पानी है और ये गिलास हो गया छठा हिस्सा। जहां 7 समंदर हो और कतरा हो वहां मवाजने नहीं होते, तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। वहाँ वहाँ नहीं देखा जाता, वहाँ कयास नहीं किया जाता। अब सुनिए इस्लाम के दो अहम पहलू, एक तरवीज इस्लाम और दूसरा है इस्तेहकाम इस्लाम। ये दो मुख्तलिफ मौजूआत हैं। तरवीज इस्लाम के लिए बड़ी बुर्दबारी चाहिए थी, बड़ा हौसला चाहिए था, बड़ी हिम्मत चाहिए थी, बड़ी बर्दाश्त चाहिए थी, गुस्ताखियों को भी बर्दाश्त करना था और उनके मुकाबले में नहायत सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना था, खूबसूरत दलाइल देने थे। इस तरह तरवीज इस्लाम होनी थी। और इस्तेहकाम इस्लाम का मतलब है अपनी जान को खतरे में डाल के कभी मैदान बद्र में उतरना है, कभी मैदान उहद में उतरना है, कभी अमर अब्द वद के मुकाबले में, कभी मरहब के मुकाबले में। मौला अली फरमा रहे हैं चाहे जंग बद्र हो, ओहद हो, जब भी जंग के शोले बुलंद होते पैगंबर हुक्म देते मैं जंग के शोलों में कूद जाता था। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। दीन फैल रहा है तो वहां भी मौला अली, दीन का इस्तेहकाम है तो वहां भी। अब मौला अली का सुन लो नोहा, मक्तूब नंबर 9 नहजुल बलागा से फरमाया, फया अजबन लिद्दहर इज सिर तो युकरन भी मन यसअ बिकदमी वलम तकुन लहू कसाबिकत इल्लती ला युदली अहदुन बिमिस्लिहा।
इस जमाने की कज रफ्तारी पर हैरत हुई है। मेरे साथ ऐसों का नाम लिया जाता है जिन्होंने मैदान साई में, मैदान जंग में, मैदान जिहाद में मेरी जैसी तेजगामी नहीं दिखाई, और उनका नाम लिया जाता है किसके साथ? मेरे साथ। बात पहुंच रही है ना? ये मौला का नोहा है, ये मौला का दर्द है। जो मैदान जंग में मौला अली के साथ ही न थे और उन्हीं को मौला अली के साथ लाके खड़ा कर दिया गया, और फिर कह जाने लगा कि दूसरों का तज़किरा मौला अली के बराबर में होने लग गया। मौला अली इसी बात का अपनी मजलूमियत, अपना दर्द दिल बयान कर रहे हैं। जिन्होंने दीन के लिए कुछ भी ना किया उन्हें मौला अली के साथ लाके खड़ा कर दिया गया। फरमाया, और उनके लिए मेरी तरह की इस्लामी खिदमात कहीं भी नजर नहीं आती जो मुझ अली इब्न अबी तालिब ने इस्लामी खिदमात अंजाम दी। ऐसी खिदमात कहीं नजर नहीं आती। खुद मौला बता रहे हैं। और अब सूरत हाल क्या है? ये सिलसिला खत्म तो नहीं हुआ ना? सिलसिला उसी तरह क्या है? ये जारी है। लेकिन हम भी इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ने ये जिंदगी रखी है, ये वजूद उसकी अमानत है, अज़ाए बदन उसकी अमानत है, जबान में कुव्वत उसी ने अता की है, मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांगता हूँ, मेरा अल्लाह अपनी इस अपनी अमानत को, इन अज़ाए बदन को मुझे तौफीक और ताकत अता तेरी राह में खर्च हो जाए। ये जबान अमानत है अल्लाह की, और ये जबान उस वक्त तक जिक्र अली में बोलती रहेगी और अली की वकालत करती रहेगी जब तक अल्लाह ने जिंदगी की आखिरी सांस रखी है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ना हम घबराने वाले हैं। हो शिया और बुजदिल पड़ जाए, नहीं, शिया को हमेशा दलेर होना चाहिए, शिया को हमेशा बहादुर होना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर बेलफर्ज मौला अली के जिक्र करने से को दुश्मन बन जाता हो और वो कत्ल करना चाहता हो और इस बात से डराना चाहता हो, तो सुन लो, हम भी वो हैं जिनकी माएँ मुसल्ले पे बैठ के खुदा से हमारी शहादत की दुआ मांगती है। हम भी उन माओं की गोदों में पले हैं, जानती हैं कि ये बेटा मेरे लिए नेमत है, और ये भी जानती हैं कि विलायत अली भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन उनको अल्लाह ने ये शऊर दे रखा है, अगर एक तरफ ये माल और दौलत और ये जान और बेटे की जान, एक तरफ ये नेमत इलाही, दूसरी तरफ विलायत अली नेमत इलाही, अगर कुर्बान करना पड़ गया, औलाद कुर्बान करेंगे, विलायत अली की नेमत को बाकी रखेंगे। इसलिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी ज़माने में हम अकेले थे, अब हम अकेले नहीं रहे। अब तो बहुत सारे अहले सुन्नत उलमा अब आके वो मौला अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। वो बनी उमैया की हकूमत के जुल्म और उनकी साजिशें और उनकी दुश्मनी अहले बैत में उठाए जाने वाले इकदाम पर वो खूब गुफ्तगू कर रहे हैं और खूब चेहरे पे नकाब कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आप देखेंगे वो वक्त दूर नहीं है, दुश्मन अली और ज्यादा रुसवा होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उसी तरह मौला अली की मुखालफत करने वाले बेनकाब होते रहेंगे। मौला अली खुद कह रहे हैं, मेरी जैसी खिदमात, मैंने शुरू में कहा था, मौला अली का अपना तरवीज इस्लाम के लिए खिदमात करना अपनी जगह, इस्तेहकाम इस्लाम के लिए तलवार उठाना अपनी जगह। और मैंने कहा था, मौला अली तो वो हैं कि जिन्होंने बेटी के अक्त के वक्त ऐसी शरायत रखी थी कि अगर दीन पर मुश्किल आ जाए तो मेरी बेटियां भी दीन की खिदमत करें, मेरे बेटे भी दीन की खिदमत करें। कौन मिल सकता है मौला अली के साथ?
किसका मवाजना किया जा सकता है मौला अली के साथ। मेरे मौला अली अपनी औलाद को सब कुछ समझा गए। यही वजह है कि बहन और भाई ने फैसला कर लिया असर आशूर तक दीन की खिदमत मेरे हिस्से में, असर आशूर के बाद बहन तू जाने और अल्लाह का दीन जाने। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं था, मौला अली इल्मे इमामत से जानते थे क्या होगा, पैगंबर बतला चुके थे, करबला में घिर चुका है ये काफिला। लक्कोदक सहरा में मुखदरात इस्मत व तहारत। एक दिन कहा भैया हुसैन तेरा बचपन का एक साथी है, उसे नहीं बुलाओगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा, वो साथी कौन है? हबीब इब्ने मज़ाहिर। जब कासिद खत लेके गया ना कूफे में पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक हुई तो उस वक्त वो दस्तरखान पे अपनी जौजा के साथ खाना खा रहा था। दस्तक हुई जब बाहर आया तो देखा एक शख्स है जल्दी में, चेहरे पे गर्द है, हाथ में खत है। पूछा कौन है, कहाँ से आ रहा है? कहा इमाम हुसैन का कासिद हूँ, दश्त करबला से आ रहा हूँ। हबीब देर न करना, जहरा का लाल दुश्मनों में घिर चुका है, अकेला नहीं साथ बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, हरम भी है। हबीब घर में आए, मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन से ये सुना, कहीं पढ़ा तो नहीं, वो कह रहे थे मोहतात आलिम दीन है, कह रहे थे उस वक्त हबीब के घर में कुछ खतूत थे इमाम हुसैन के पहले। इस खत को भी पढ़ता है और उन खतूत को भी उठाता है, उन पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मिन हुसैन इब्न अली इला रजुल फकीह हबीब इब्न मज़ाहिर। फिर इधर देखता है, इधर तो इस तरह नहीं लिखा हुआ। फिर दूसरा खत उठाता है, उधर लिखा मिन हुसैन इब्न अली, इधर लिखा हुआ था मिन हुसैन इब्न फातिमा। आप समझ गए कि हबीब न समझा। और फिर अगली बात यह लिखी हुई थी, हबीब तू जानता है ना मेरी नबी के साथ कराबतदारी किस कदर है, हबीब ताखीर न करना। हबीब यहाँ इम्तिहान लेना चाहते हैं अपनी जौजा का, और अपनी जौजा से पूछते हैं, बात करते हैं, कहते हैं यूं इमाम हुसैन का खत आया। वो पूछती है इरादा क्या है? कहा मेरे जो तेरी फिक्र है। वो कहती है वहाँ नबीजादियाँ दुश्मनों में घिर चुकी हैं, तुझे मेरी फिक्र लगी हुई है। अजरकुम अल्लाह। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा शाबाश। अब वहां कूफे में फिजा ऐसी थी जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो। इब्ने ज़ियाद ना चाहता था कोई मजलूम करबला की मदद तक पहुंच सके, पहरे लगे हुए थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने गुलाम से कहा फलां जगह मेरा घोड़ा और तलवार लेके पहुंच जाओ। जब गए ना तो मंजर अजीब था। हबीब गया, देखा उस गुलाम ने घोड़े की गर्दन में बाजू डाला हुआ था, रो रो के कह रहा था काश मेरा आका मुझे भी करबला ले जाए, मैं भी इमाम हुसैन पे अपनी जान कुर्बान कर दूं। उधर परचम तकसीम हुए, एक परचम रख दिया गया। और जब हबीब पहुंचे और असहाब ने देखा वो परचम हबीब को मिला, लेकिन रुलाती तो यही बात है, उस वक्त जब खबर खेमों में गई एक कनीज आई और आके कहा हबीब अली की बेटी तुझे सलाम कहती है। हबीब रो के कहते हैं इतनी गुर्बत आ गई अब गुलामों को भी सलाम। अजरकुम अल्लाह। ऐ अज़ीज़ो, नौ मुहर्रम को मेरी आकाजादी ने कहा, बहन और भाई एक खेमे में बैठे थे, पूछ रही थी भाई जिस तरह बाबा के असहाबों ने बाज ने बेवफाई की, भाई हसन से बेवफाई हुई, आपने इम्तिहान ले लिया है, आपके असहाब बेवफाई न करें। एक सहाबी जो खेमे के बाहर हिफाजत पर मामूर था, जब उसने ये सुनी बात तड़पा, दौड़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास
पास, कहा अली की बेटी यूं यूं अपने भाई से पूछ रही है। सारे असहाब को इकट्ठा किया गया, खैमे के बाहर आ गए, कहा मेरी आकाजादी, हमारी आकाजादी, अगर वफा पे यकीन नहीं तो सबूत पेश करे। दुआ दी मेरी आकाजादी ने, अय आजादारो नमाज का वक्त करीब हो रहा है, आओ जरा सुनो। जब एक सहाबी ने कहा मौला हुसैन आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ना चाहते हैं, आपने आसमान की तरफ सर उठा के देखा और उस वक्त एक दुआ दी, फरमाया कज़कर तो सलाता वजालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, तूने मुश्किल घड़ी में नमाज को याद रखा, अल्लाह तुझे नमाज गुजारों में से करार दे। वो जन्नत की खबर तो शब आशूर मिल चुकी थी, मकानात भी देख चुके थे, इसका मतलब है नमाज गुजार का कोई और भी सवाब होता है, बड़ी इबादत है नमाज अज़ादारो। आओ जरा इस वक्त को देखो, इमाम हुसैन जब नमाज पढ़ने लगे उस वक्त का हबीब इब्न मज़ाहिर को, जाओ पिसरे साथ से कहो जंग रोक दो, हमने नमाज पढ़नी है। इमाम हुसैन का बूढ़ा सहाबी सफेद रीश सहाबी गए, मुज़ाकरात होने लगे, उधर से गुस्ताखियाँ होने लगी, फिर मामला झड़पों में बदला, फिर जंग शुरू हुई। हबीब लड़ते लड़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हबीब कोई आम सहाबी न था जो करबला के ज़ायर बैठे हो, तमाम असहाब के लाशें गंज शहदा में और मौला के कदमों में, मगर हबीब की जरी है इमाम के सर और मकतलगा के दरमियान, इसका मतलब है हबीब का कोई ख़ास मकाम है। और जब जनाब हबीब का सर कलम हुआ और कूफे सर भेजे गए, एक जवान बच्चा है दिरहम लेके आया, उस मलून को कहता ये सर तो दे दो, मैं गर्द साफ करना चाहता, मैं धोना चाहता हूं चेहरा अपने बाबा का। उसने दिरहम ले लिए, सर दे दिया। मैं कहूंगा हजरत हबीब आपने बड़ी कुर्बानी दी, आपने बड़ी शहादत दी, आपने बड़ी वफा की, मगर हाय जहरा का लाल यजीद का दरबार है, वो अपने तख्त पे बैठा है, ऊपर वाली सीढ़ी पर शराब के जाम चढ़ा रहा था, उसी तख्त की निचली सीढ़ी पे ताश्त में जहरा के लाल का सर है। अब बहने देख रही थी खजरान की छड़ी वहां मारता है, और जिस जगह के नबी बोसे लेते थे ये वहां जुल्म करता है। हाय मजलूमियत हुसैन अलालानतुल्लाहे अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलालत का, तुझे वास्ता है नबी व आले नबी का। मेरा अल्लाह अपनी इज्जत व जलालत के सदके, मौला मजलूम करबला के सदके, मेरा अल्लाह इस मजलिस अदा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात तशरीफ ला रहे हैं परवरदिगार तू इन्हें भी जानता है, इनकी हाजात शरीयत से भी वाकिफ़ है, मेरा मालिक इन सब पर अपना लुत्फ़ करम फरमा। परवरदिगार इनकी हाजात को पूरा फरमा। मेरा अल्लाह कायद मिल्लत जाफरिया राहबर मुअज़्ज़म मराज उज़ाम उन्हें तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगार उस्तादुल उलमा अलामा सैयद गुलाब अली शाह साहब के दर्जात बुलंद फरमा। अलामा सैयद मोहम्मद तकी नकवी साहब को सेहत कामिल अता फरमा। मेरा अल्लाह मौलाना तनवीरुल काज़िम शाह साहब और इनके जितने भी मुआवेनीन हैं परवरदिगारा इन्हें अजर अजीम अता फरमा। परवरदिगारा हमारे मौला व आका के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे मौला व आका को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। रब्बना आतना फ़ि दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार।